कोटक महिंद्रा बैंक में ऑनलाइन एक डिजिटल सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस का घर बैठे कैसे ओपन कर सकते हैं। और ये जो अकाउंट होता है तो आपका डिजिटली रूप से ओपन होगा, कोई भी आपको पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, ना तो आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा, ना तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। घर बैठे आपका अकाउंट ओपन होगा और अकाउंट ओपन के साथ साथ जो इनका वेलकम किट होता है तो घर बैठे आपको वेलकम किट भी हो जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट एक बेस्ट जीरो बैलेंस के सेविंग अकाउंट की लिस्ट में आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा कि कोटक महिंद्रा बैंक में कैसे आप वीडियो केवाईसी के थ्रू अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। तो बने इस वीडियो में अंत तक। कोटक 811 अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप अकाउंट ओपनिंग पेज पर आ जाएंगे। यहां पर देख सकते हैं ओपन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन और गेट अप टू यहां पर 7% का पर एनम यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहां थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जीरो बैलेंस का अकाउंट है, यहां पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके बेनिफिट देख सकते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट के, इसके साथ ही आपको इसके जो कार्ड्स मिलेंगे उस पर रिवार्ड्स भी मिलेगा। यहां पर देख सकते हैं पेपरलेस प्रोसेस होगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड वेरिफिकेशन आपको करना है, इंस्टेंट आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा और क्रेडिट कार्ड भी अगेंस्ट आपको एफडी पर मिल जाएगा। कोई भी आपको यहां पर सिविल स्कोर का टेंशन नहीं रहेगा। यहां पर नो चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस, यहां पर कोई भी आपके नॉन मेंटेनेंस पर चार्जेस नहीं रहेंगे। यहां पर देख सकते हैं कि इसके फीचर बताए गए हैं, बेनिफिट्स वगैरह। तो यहां पर अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे ऊपर आएंगे, यहां पर सबसे ऊपर मोबाइल नंबर देंगे, नीचे यहां पर ईमेल आईडी देंगे, उसके बाद यहां पर नीचे आपको मिल जाएगा पिन कोड। तो यहां पर आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। पिन कोड आप अगर आपको नहीं पता है तो अपने आधार कार्ड पर चेक कर सकते हैं। ओपन नाउ वाले ऑप्शन पर यहां पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहां पर आप ओपन नाउ पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पर जो ओटीपी सेंड किया जाएगा उस ओटीपी को डालेंगे और यहां पर थोड़ा वेट करेंगे तो यहां पर ओटीपी आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये ओटीपी ध्यान रखना है कि आपके ईमेल आईडी पर जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर नीचे और यहां पर आपको आधार नंबर देना है और नीचे यहां पर आपको टर्म एक्सेप्ट करना है। देन यहां पर प्रोसीड टू वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर देखिए पैन कार्ड पर जो नाम रहता है कुछ लेटर यहां पर आ जाएगा, यहां पर आप चेक करके यहां पर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अगर आपका नाम यहां पर गलत रहता है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है अब उस पर ओटीपी सेंड किया जाता है। और जैसे आप ओटीपी डालेंगे आपका ओटीपी यहां पर आधार कार्ड से लिंक वाला वेरीफाई होगा। फिर यहां पर जैसे ओटीपी डाल देंगे तो यहां पर देखिए आपके आधार कार्ड से आपका फोटो आपका डेट ऑफ बर्थ जेंडर मैच कर लेता है और यहां पर नीचे आपको ऑक्यूपेशन यहां पर अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे यहाँ पर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट आप सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे यहाँ पर आपको फैमिली इनकम डाल देनी है, यहाँ पर ईयरली इनकम आप डाल देंगे। देन यहाँ पर मटेरियल स्टेटस आप डाल देंगे, फादर्स नेम डालना है एज पर आपके पिन कार्ड पर जो नाम रहेगा। यहाँ पर नीचे आना है, मदर्स मैडर नेम आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर आप मदर्स मैडर नेम डाल देंगे। यहाँ पर कन्फर्म मदर्स मैडर नेम, उसी मदर्स मैडर नेम को आपको नीचे कंफर्म करना है। देन यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है, नीचे यहाँ पर पिन कोड डालना है और पिन कोड जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पर आपका एरिया ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर नॉमिनी ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड नॉमिनी करूँगा, इंस्टेंट हमें नॉमिनी ऐड करना है तो यहाँ पर नॉमिनी का यहाँ पर आपको फुल नेम देना है। तो यहाँ पर फुल नेम आप यहाँ पर नॉमिनी का डालेंगे, आप जैसे जिसको बनाना चाहते हैं, जैसे फादर को बनाना चाहते हैं तो फादर डाल देंगे। यहाँ पर आप अपने नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नीचे यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस, अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक मार कर देंगे, सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देना है, सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर आप 6 डिजिट का एम पिन सेट करेंगे, एम पिन आपका एक सिक्वेंस में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर कंफर्म एम पिन करेंगे तो एम पिन आपका सेट सक्सेसफुली हो जाएगा। इंस्टेंट आपका यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अलाउ फॉर ऑनलाइन यूजर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन यूजर्स के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। फिजिकल डेबिट कार्ड आपके केवाईसी के बाद आपके एड्रेस पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर ये सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस स्किप फॉर नाउ वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्किप करने के बाद देखिए आपका 811 अकाउंट रेडी हो रहा है। थोड़ा यहाँ पर वेट करेंगे, डेबिट कार्ड आपका यहाँ पर सेट हो चुका है, एमपिन आपका सेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप केवल 2 मिनट में देख सकते हैं कि आपका अकाउंट यहाँ पर रेडी हो गया। यहाँ पर आपको CRN नंबर मिल गया, अकाउंट नंबर मिल गया, IFSC कोड और UPI हैंडल भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। कॉपी डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप डिटेल्स कॉपी कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर लिमिट वगैरह देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप KYC कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद यहाँ
पर आपकी लिमिट इंक्रीज कर दी जाएगी। यहाँ पर नीचे कार्ड का डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करना है तो कंप्लीट फुल केवाईसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ओरिजिनल पैन कार्ड, प्रोफाइल पिक्चर, आपकी एक सेल्फी फोटो ली जाएगी, आपका सिग्नेचर। यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और प्रोसीड टू वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर देखिए वीडियो केवाईसी आपका ऑन मोबाइल में होना चाहिए आपका। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वीडियो केवाईसी मोबाइल पर होगा, आपका जैसे मैं लैपटॉप पर कर रहा हूँ तो यहाँ पर नहीं होगा। यानी आपका आप या फिर आप आपके एरिया पर जो भी आपका एरिया रहेगा उस पर आपके इनके एजेंट विजिट करके भी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं या फिर शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल विजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहीं से आप विजिट आप शेड्यूल भी करवा सकते हैं, विजिट करवा सकते हैं एजेंट को। अगर आपको वीडियो कॉल करके थ्रू केवाईसी करना है तो यहीं पर वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं शेड्यूल बुक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो कॉल के थ्रू केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो तरीके से दोस्तों आप कोटक 811 अकाउंट ऑनलाइन जीरो बैलेंस का फ्री में ओपन कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और कोई भी आपको पेपर वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आप काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स